वेलकम ऑल टू माय चैनल बिलव्ड ऑफ ठाकुर जी, राधे राधे। आप सबका ठाकुर जी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक नया सेट बनाना सीखेंगे ज्वेलरी में, जो कि आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, जहाँ माता रानी को भी पहना सकते हैं। तो आइए हम उसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उसमें सबसे पहले देखिए, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ गोल्डन पेपर ज्वेलरी के लिए। देखिए इसके पीछे मैंने पहले से ही रेड वाला बैकग्राउंड जो है वो पेस्ट कर लिया है, तो बाद में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो आप इसको पहले ही पेस्ट कर लीजिए। ये कैसे पेस्ट करना है, गोल्डन पेपर क्या है और इसको मैंने कैसे ही पीछे पेस्ट किया है, ये मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से ये देख सकते हैं। तो ये आप पहले, और मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी के हिसाब से नेक भी कट किया हुआ है। इसके अलावा हमें जो चाहिए होगा, यहाँ मैंने थोड़े से ड्रॉप शेप में कुंदन के स्टोन्स लिए हैं। तो ये देखिए मैंने 3 बीड्स लिए हैं यहाँ पे, ब्लू भी ये बहुत सुंदर सा कलर है ब्लू। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए ये वाले 2 स्टोन्स लिए हैं और एक ये वाला स्टोन लिया है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने देखिए इसी ब्लू कलर की चेन ली है, स्टोन चेन, जिन्हें की जलकन वाली चेन भी बोलते हैं। ये वाली चेन मैं यूज़ करूँगी इसमें बनाने के लिए, और प्लकर तो हमें हमेशा की तरह चाहिए ही होगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉपलेट्स ये वाले लिए हैं, आई पिन्स, देखिए ये आई पिन होता है, पहले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए, ये देखिए आई पिन होता है और ये ड्रॉपलेट के बीड्स होते हैं, ऐसे बीड्स आते हैं खाली, ये बीड को मैंने इसके अंदर डाल लिया है, तो ये मैंने ऐसे रेडी करके रखे हैं। तो देखिए बाकी जो है उसके अलावा हमें ये चाहिए होगी ज्वेलरी वायर, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी फैब्रिक ग्लू। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी। इस टाइप से ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले ब्लू कलर की चेन को सेट करूँगी। देखिए यहाँ साइज के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा चेन होंगी उसको मैं कट कर दूंगी। एक लेयर सेट करने के बाद मैं ऐसे ही 2 लेयर्स और लगाऊंगी इसी चेन की। देखिए 3 लड़ी सेट करने के बाद हम थोड़ा सा ग्लू और लगा लेंगे साइड्स में। बाद ये जो कुंदन वाले स्टोन्स है अब मैं इनको लगाऊंगी। एक कुंदन बिल्कुल हम पहले सेंटर में प्लेस करेंगे और उसके बाद साइडों में सब जो है लगाते जाएंगे। देखिए कुंदन लगाने के बाद हमारे सेट की जो लुक है वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 2 कुंदन के बीच का गैप है यहाँ पे, इस पे मैं ये वाले जो मैंने हैंगिंग बीड्स बनाए हैं, देखिए ये वाले आईपिन में डाल के इसको मुझे सेट करना है। तो ये सेट करूंगी जब, तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस टाइप से आएगी। ये हैंग करेंगे इसमें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसको इस टाइप से इसमें सेट करूंगी, बट ये थोड़ा सा सूखने के बाद ही ये काम होगा। तो अब तक मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन मैंने जो सेंटर वाला स्टोन लगाया था, इसके जस्ट नीचे देखिए जो ज्वेलरी वायर हमने ली थी, हम उसको क्या करेंगे, इसलिए ये 3 हैंगिंग बीड्स डाल दूंगी इस टाइप से। ये मेरे हैंगिंग बीड्स 3 आ गए नीचे। अब मैं क्या करूंगी, इनको ऐसे ऐसे कर लूंगी इकट्ठा तार को, और इसमें मैंने देखिए अब ये वाला बीड डालूंगी, ये जो मेरे पास ये वाला स्टोन है, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्टोन है इसको मैं डालूंगी। तो इसके नीचे जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी में से वायर को मैं पास करूंगी। देखिए ये मेरा कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगा। देखिए ये मेरा इस टाइप से एक हैंगिंग रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर ये वाला बीड डालूंगी, तो ये मैं इकट्ठा दोनों तारों को इकट्ठा मिला के ही डालूंगी। देखिए इस टाइप से आ गया रहेगा, ठीक है, ये इतना रेडी हो गया। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे जो स्टोन्स वाले लिए हैं ये वाले, तो इसमें मैं पहले बड़ा डालूंगी, वो भी दोनों तारों को इकट्ठा करके ही डालना है। देखिए ये इसके यहाँ पे, फिर मैं ये छोटा वाला डालूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला फिर छोटा वाला, इस तरह से मेरा ये एक हैंगिंग तैयार हो गया है, देखिए, ठीक है। अब इस हैंगिंग को मुझे यहाँ पे सेट करना है इसके सेंटर वाले लीफ पे, तो मैं पहले इसके सूखने का हम वेट करेंगे, और तब तक जो है हम इसके एयरिंग्स को रेडी कर लेते हैं। जो है एयरिंग्स में देखिए मैं 3-3 वाले हैंगिंग्स डाल रही हूँ, आईपिन के अंदर मैंने 3 बीड्स डाल लिए हैं, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो मैं अब हम इस पे ग्लू लगा लेंगे। पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगी,
इसको पेस्ट करने के बाद इसको मैं ये कुंदन जो है इसको ऐसे जिस शेप में हमने सेट में लगाया है उसी शेप में हम जो है इयररिंग में लगाएंगे, मतलब जो पॉइंटेड साइड है उसकी वो नीचे की तरफ रखेंगे और इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम जो इसका एक्स्ट्रा गोल्डन दिखाई दे रहा है पेपर उसको हम कट कर देंगे। तो इसको ड्राई होने दीजिए, तब तक हम दूसरा रेडी कर लेंगे इसी वे से। देखिए ये हमारा ड्राई हो गया है, सेमी ड्राई, तो हम इसको जो है थोड़ा शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। मैं यहाँ इसको कट करने के लिए इस कटर का यूज़ करूँगी क्योंकि ये आगे से पूरा पॉइंट टू पॉइंट कट कर देता है। देखिए यहाँ मैंने इसको शेप टू शेप पूरा कट कर लिया है, मेरा थोड़ा नेक की तरफ से गोल्डन दिखाई दे रहा है, उसको मैं बिल्कुल बाद में कट करूंगी ताकि ये अच्छे से और ड्राई हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड को ऐसे उल्टा करके अब इसके यहाँ पे मैं ये आई पिंस को प्लेस करूंगी। तो आई पिंस को प्लेस करने से पहले जो मैंने सेंटर वाला पोर्शन बनाया है उसको मैं, देखिए ये मेरा सेंटर वाला बनता है, देखिए मैं सेंटर पे मैंने ग्लू लगा ली है अच्छे से। अब मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसे सेट कर दूंगी। पहले हम एक बिल्कुल पास पास लगाएंगे, जैसे एक इस तरफ लगाऊंगी तो एक इसी तरीके से इस तरफ लगाऊंगी, दो ऐसे आ गई। अब मैं जो है एक छोड़ ये वाला जो है इसके नेक्स्ट वाला जो दोनों के बीच का गैप है वहां लगाऊंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी हैवी लुक देना चाहते हो, उसके हिसाब से इसका आप डिस्टेंस जो है कम और ज्यादा कर सकते हो। एक छोड़ के भी लगा सकते हो, अगर थोड़ा कम हल्का बनाना है तो इसको आप थोड़ा एक एक गैप करके डाल दीजिए, वो सब आप पे है। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करूंगी और एक्स्ट्रा आई पिन को मैं कट कर दूंगी। तो मैं पहले एक्स्ट्रा आई पिन को कट करने के बाद ही इसको यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, मैंने साइडों वाले छोड़ दिए क्योंकि वो जब हम फिट पहनाएंगे तो वो थोड़ा नीचे की तरफ फंसेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन इधर और तीन इधर ही लगाए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके पीछे लॉक लगाना है। तो देखिए कुछ इस टाइप के लॉक आते हैं चेन में, ये जो कि नेकलेस के पीछे पड़े होते हैं, उसको मैं यहाँ पे चेन को यहाँ पे लगाऊंगी इस टाइप से। देखिए और दूसरा मैं ये वाला लगाऊंगी दूसरी साइड में, ये एडजस्टेबल होगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से आएगा। ऐसे चेन्स को सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पे, और ग्लू लगाने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से एक इसको कवर कर देंगे। देखिए मैंने इसी के साइज का एक फैब्रिक कट कर लूंगी और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगी इसके ऊपर। तो मैं अब आपको इसकी लुक दिखाती हूँ फ्रंट से। देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप से नेकलेस रेडी होगा। देखिए देखिए ड्राई होने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस टाइप से आएगी। तो आई होप कि आपको ये नेकलेस पसंद आया होगा क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, और जब भी इसको हम किसी मैचिंग ड्रेस के साथ पहनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ठाकुर जी के इस चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह से नई नई चीज़ें बनाते रहें। थैंक यू सो मच।